नमस्कार एंड वेलकम वेलकम स्वागत है आपका। ये आप देखते ही समझ गए होंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये मुक्सरधाम की पार्किंग है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। अब मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता ही देता हूँ। इसकी कनेक्टिविटी रोड से भी है और अपना ये मेट्रो से है। जरा पीछे से दिखा दोगे एक मिनट, आप मेट्रो स्टेशन में देखो सामने कितनी पास में पार्किंग हुई है। ये आई रही होगी, देखो पूरा इधर करना थोड़ा सा। आप देखो ये कैमरे से आपको देख रहा हूँ कितनी बड़ी पार्किंग है। कम से कम 400 गाड़ियों की जगह है बाइक्स के अलग। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मुक्सरधाम मंदिर के अंदर जाके वीडियो नहीं बना सकता, नहीं तो मैं आपको सारा बताता। अंदर 5-6 तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। मेन अट्रैक्शन इसकी जो है वो फाउंटेन हुई और मूवी है, 2-4 चीज़ें और भी हैं। म्यूजिकल फाउंटेन और एक अंदर मूवी चलती है 3 घंटे की, तो वो भी डेफिनेटली देखने वाली, चेकआउट करने वाली चीज़ है। और ये पीछे जो आप देख रहे हो एक लॉक रूम है, इसमें आप अपना सारा सामान जमा करा सकते हो। बट पहले बता रहा हूँ कि अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, ना पर्स ओनली और मनी यू कैन टेक। अंदर इसके अलावा कुछ अलाउड नहीं है, नॉट इवन कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ अंदर ही मिल जाता है। टॉयलेट्स तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, 4-5 एकदम क्लीन टॉयलेट्स हैं, जैसे फॉरन कंट्री में चीज। ये अक्षरधाम आने का बेस्ट टाइम क्या है, मेन नवंबर से लेकर मार्च और इसमें टाइमिंग्स क्या है, एवरी मंडे क्लोज होता है, ये बात ध्यान रखना। सुबह 6:30 बजे तक एंट्री है, इस चीज का पूरा ध्यान रखना। मतलब ये है आपके अंदर कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, तो इसलिए मैं आपको जानकारी अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। मैं खुद ही अंदर घूम के आऊंगा, थोड़ा मैं एंजॉय कर लेता हूँ। और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू।